की दूसरी लहर ने कई घरों को उजाड़ दिया है। साथ ही कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण कई लोगों को दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। इसी बीच कई युवा समूह इस मुश्किल समय में मदद का हाथ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कई महीनों से कोरोना महामारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी को देखते हुए शहर के कई युवा समूह लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। युवाओं ने मिलकर जरूरतमंदों तक दवाइयों और राशन पहुंचाने का काम किया है। हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर और पिछली वर्ष भी हमने सूखा राशन वितरण किया था और इस वर्ष हम लगभग 30-40 परिवार को सूखा राशन वितरण कर चुके हैं। अब हम लोगों ने हॉस्पिटल में जब दवाई सप्लाई की, दवाइयाँ इंजेक्शन वगैरह लाके दिए, तो हमें लगा कि हॉस्पिटलों में अभी सारे सब जगह बंद होने की वजह से लोग भोजन वगैरह के लिए परेशान हो रहे हैं, तो इसलिए आज हमने यहाँ पे भोजन वितरण किया है। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर, सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट, मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अब इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। मूसाखेड़ी क्षेत्र में रहने वाले इन युवाओं के समूह ने लोगों तक राशन के साथ सैनिटाइजर और मास्क भी वितरित किए। मृदुभाषी के लिए इंदौर से यशवंत पवार की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।